तो अच्छा लाइव मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ना ये माइक खराब हो गया है। अभी ऑडिबल हूँ? अच्छा ये तब ऑडिबल नहीं था इसको। अच्छा तो एक्चुअली लैपटॉप को पता नहीं माइक का क्या प्रॉब्लम है, इसलिए लाइव होगा नहीं। रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे अभी तो हम लोगों ने अभी तक क्लास 11 एनसीईआरटी से चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर 1 सेट था। अच्छा आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट तो मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। एक्चुअली ये फोन से ज्वाइन करना पड़ रहा है। हाँ अभी क्लियर है आवाज? हाँ ठीक है। तो वही मैं कह रहा था, हमने क्लास 11 जो एनसीईआरटी है उससे हमने चैप्टर 1 सेट था, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन था है ना, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री किया हमने, और अभी चैप्टर 4 करेंगे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक क्लास में मुझे लगता है ये खत्म हो जाएगा। अगर डाउट्स होगा फिर हम डिस्कस कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में ये चीज, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। तो ये चैप्टर का जैसे नाम है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ना। ये आगे हायर क्लासों में जाके, जब हम जो हायर क्लास में जो मैथमेटिक्स मान लो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं ना, तो ये प्रूफ टेक्निक है। एक्चुअली ये जो तरीका है एक प्रूफ टेक्निक है, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें एन आता है उसको। अच्छा मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर n है और n फैक्टोरियल है, अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 की पावर n ज्यादा होगा n फैक्टोरियल से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब कैसे मान ले है ना। जैसे ये है, अब ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कि 2 की पावर n की वैल्यू हमेशा n फैक्टोरियल से ज्यादा होगी। सही लिख रहा हूँ ऐसे ना, चेक कर लेते हैं। ऐसे मैं ऐसे ही तुक्का लिख रहा हूँ, देखो चेक कर लेते हैं। सो 2 की पावर 1, 2 मोर देन 1, अच्छा 4 मोर देन 2, 8 मोर देन कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, और 16 नहीं, तो ये जनरल ट्रू नहीं है। यहाँ पे चेक कीजिए, 4 फैक्टोरियल 24, तो ये उल्टा हो गया। एक्चुअली ये रिजल्ट ट्रू नहीं है ना, जैसे मैं अभी से बोल रहा था कि ये होगा ऐसा, तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ जस्ट है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, मैंने चेक किया, एन बराबर 1 रख के ओके आया, एन बराबर 2 रख के ओके आया, एन बराबर 3 रख के ओके आया, बट एन बराबर जब हमने 4 रखा तो ये गलत हो गया ना। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ना। क्योंकि ट्रू कब होता, जब ये होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर पुट करूं और ऐसा हो। लेकिन ये अगर आप आगे हालांकि फॉलो करेगा तो ये 32 विल बी अगला 32 और 5 फैक्टोरियल कितना 120 है ना। तो ये इस ऑर्डर को आप फॉलो करेगा। तो यहां पे ये है कि जो मैं लिख रहा था स्टेटमेंट, अब ये हो गया। एक्चुअली कहने का क्या मतलब है मेरा, सो मेरा ये कहने का मतलब है, इसको मैं सेव कर लूं पहले। हाँ चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि यहां पे कि जैसे मैंने कहा 2 की पावर n जो है, ठीक है ना, तो जैसे हमने कहा कि जो 2 की पावर n है ये ज्यादा होगा n फैक्टोरियल से, मैं ये स्टेटमेंट लिखा पहले, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मुझे ये चेक करना है क्या ये सच में ऐसा है कि नहीं है। तो आपने अभी देखा मैंने क्या किया, जैसे मैंने लिखा कि 2 की पावर n की वैल्यू हमेशा n फैक्टोरियल से ज्यादा होगी, तो हमने चेक किया, अच्छा तो ये ट्रू है क्या। तो मैं एन को 1 रखा तो ट्रू आया, एन को 2 रखा ट्रू आया, एन को 3 रखा तो ट्रू आया, एन को 4 रखा तो फॉल्स आ गया है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कब तक चेक करेंगे इसको हम है ना, या अब आगे देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना, ये फॉल्स है। लेकिन जैसे मैं अगर लिखूं
कि 2 की पावर n की वैल्यू कम होगी n फैक्टोरियल से, कब? फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 4। अब मैंने करेक्ट किया, तो हालांकि ये थ्योरम ही है जो अब मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब मुझे मान लो इसको प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक्चुअली जो प्रिंसिपल ऑफ ये स्टेटमेंट ट्रू होगा वो फॉल्स था, तो दिस स्टेटमेंट वॉज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। अब चेक कर सकते हैं हम लोग, इक्वल टू लगा इस तरीके से। सो ये ट्रू है, ये कोई भी स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं, जैसे मुझे दिखाना है कि 1 + 2 + 3 up to n क्या होता है, n into n + 1 upon 2, है ना। सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो ये होल्ड करता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्चुअली। तो एक तो तरीका प्रूफ करने का इसका एपी वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो ठीक है, बट अगर मैं एपी या कॉन्सेप्ट यूज ना करूं, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बस प्रूफ करने का है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये प्रूफ करेंगे भी, तो ये कहता क्या है एक्चुअली, इसका क्या लॉजिक है ना। सो मैं समझना है कि इसका लॉजिक क्या है। तो अगर कोई स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, या मान लीजिए कहीं बोल दिया, मैंने पिछला स्टेटमेंट बोला कि एन मोर देन इक्वल टू 4 के लिए ट्रू है, तो कोई बात नहीं, पहले 4 के लिए चेक कर लेंगे, उसके बाद हम उसके अगले वाले के लिए मान लो क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या लॉजिक होता है, लॉजिक क्या है, क्वेश्चन ये है। चलो इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए। तो स्टेटमेंट ने समझाना क्या चाह रहा है ये, है ना। तो ये स्टेटमेंट हालांकि रॉन्ग था, चलिए, तो रॉन्ग कैसे बदला, हमने कुछ नंबर पुट किए, बट क्वेश्चन ये कब तक पुट करके चेक करेंगे, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो ट्रू है तो कब तक पुट करेंगे, है ना, कहां तक पुट करेंगे, ये क्वेश्चन है। सो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पुट करने की जरूरत नहीं, हम वो चेक कर लेंगे। इंडक्शन का एक पैटर्न है, एक रूल है, उसको फॉलो करते, तो क्या है रूल देखते हैं, है ना। यही कहना चाह रहा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज वन ऑफ द टेक्निक विच कैन बी यूज टू प्रूव वेराइटी ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स विच आर फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एन। मतलब वैसा स्टेटमेंट जिसमें एन आता है, एन के टर्म में कोई स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन टेक्निक यूज करते हैं। वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसी का दूसरा नाम है पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली। सो ये जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, है ना, ये क्वेश्चन है कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, तो उसका समझिए। कह रहा है कि लेट Pn बी अ गिवन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n। कोई स्टेटमेंट आपके पास है, उसमें स्मॉल n नेचुरल नंबर है उस स्टेटमेंट में, मतलब वो फॉर्मूला हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, कोई थ्योरम हो सकता है, उसमें n इन्वॉल्व है, लेकिन तो आपको कह रहा है उस तरह के फॉर्मूले में क्या करेंगे, तो इसका स्टेप क्या है, सच दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो अगर वो नेचुरल नंबर के लिए पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप n को 1 रख के देखेंगे, वो स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। मतलब p1 इज ट्रू, या ट्रू फॉर एनी फिक्स नेचुरल नंबर, ठीक है ना, कोई भी नेचुरल नंबर रख के आप चेक कर सकते हैं, तो किसी फिक्स नेचुरल नंबर के लिए ट्रू रहेगा। उसके बाद इसका दूसरा स्टेप है कि इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k इज अ पर्टिकुलर बट आर्बिट्री नेचुरल नंबर, है ना, आर्बिट्री नेचुरल नंबर। सो k कोई फिक्स है बट आर्बिट्री का मतलब आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो ये आर्बिट्री है जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। अब यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहले आप क्या करोगे, आप इफ मतलब आपने अज्यूम किया, तो आप अज्यूम करोगे कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। k कुछ भी हो सकता है, k 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी, इस तरीके से। तो आपने आर्बिट्रली अज्यूम कर लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्या बोल रहा है ये, देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब जो भी नंबर के लिए अज्यूम किया उसके अगले के लिए ट्रू है, आप ये प्रूफ करके दिखा दो। जैसे मान लो मैं 1 के लिए चेक किया तो 2 के लिए ट्रू होगा दिखा दूंगा, अब 2 के लिए ट्रू हो गया 3 के लिए ट्रू हो जाएगा, 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए ट्रू हो जाएगा, 4 के लिए ट्रू है तो 5 के लिए, तो ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया, यही एक प्रोसेस है एक्चुअली। तो आपको हमेशा जो स्टेटमेंट जो पहला नंबर स्मॉलेस्ट नंबर जिसके लिए ट्रू है उसके लिए चेक कर लो। अब k के लिए अज्यूम कर दिया, k कोई नंबर है फिक्स नंबर, और आप दिखा रहे हैं कि उसका जस्ट अगला नंबर है उसके लिए भी ट्रू होगा, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब है जैसे 1 के लिए ट्रू है तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि 2 के लिए ट्रू होगा, अब 2 के लिए ट्रू हो गया तो आपने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि अगले वाले के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए भी ट्रू हो गया, फिर 4 के लिए भी ट्रू हो गया, फिर 5 के लिए भी, फिर 6 के लिए भी, फिर 7 के लिए, एंड इसी चेन में पूरे नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया।
तो यहाँ करना क्या, ये प्रूफ टेक्निक क्या है? प्रूफ टेक्निक ये है कि n की वैल्यू जहां से भी स्टार्ट हो रही है, यू फर्स्ट प्रूफ फॉर दिस। जैसे यहीं पे मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, आइए मैं पहले इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, क्या कि मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट 2 की पावर n लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल होगी n मोर देन इक्वल टू 4 के लिए। तो ये मिनिमम वैल्यू n की क्या है यहाँ पे, 4 है ना, 4 से स्टार्ट हो रही है। तो अब आप n इज इक्वल टू 4 रख के पहले चेक करोगे। तो इसका अगर इसको मैं प्रूफ करूं, मान लीजिए इस तरीके से, तो क्या तरीका है इसका प्रूफ का? ये टेक्निक है एक्चुअली कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करके देखो आप, जो भी स्मॉलेस्ट है, 4 है रख दिया हमने, तो 4 इसमें रखिए आप, देखिए ट्रू आ रहा है क्या। तो 2 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 16, 16 लेस देन इक्वल टू 24 है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इसका मतलब हो गया कि जो स्टेटमेंट है, जो गिवन स्टेटमेंट था वो ट्रू है, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। तो हमेशा मुझे एक वैल्यू के लिए दिखाना है ट्रू है, ठीक है, वो दिखा दिया। अब किसी नंबर, आर्बिट्री नंबर k के लिए अज्यूम कर लेते, k कुछ भी हो सकता है, 4b 5b 6b 7b, मैं मान लेता हूं k कोई नंबर है, इनकी वैल्यू है जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं अज्यूम करूंगा यहां पे कि इसी क्वेश्चन में मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, सो इसमें हम अज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए अज्यूम ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, k कोई नंबर है, वेयर k कोई नेचुरल नंबर होगा जो मोर देन इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि ये 4 से ज्यादा के लिए स्टेटमेंट ट्रू है इसीलिए। तो k कोई नेचुरल नंबर है मोर देन इक्वल टू k, तो मैंने अज्यूम किया, देखो यहां पे अजम्पशन है कि मैंने अज्यूम किया कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो मतलब मैंने क्या अज्यूम कर लिया, मतलब हमने ये अज्यूम कर लिया कि 2 की पावर k जो होगी वो लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 फैक्टोरियल है, ठीक। सो ये हमने अज्यूम कर लिया कि 2 की पावर k जो है k प्लस 1 फैक्टोरियल से लेस है। अब मुझे क्या करना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो नेक्स्ट स्टेप ये है इसमें कि पहले तो आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके लिए ट्रू दिखाना है। दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया कि k के लिए आप अज्यूम कर लो, और तीसरा स्टेप मतलब स्टेप इसमें ये होगा कि k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो, ये चीज है। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ये मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली। तो ये अच्छा एक मिनट, क्या क्या गलती कर दिया ना, आपने ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, मैंने क्या लिख दिया, ये k फैक्टोरियल होगा ना यहाँ पे, तो y k प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, देखिए so, है ना, क्योंकि हमने अज्यूम किया, हमने हमारा स्टेटमेंट है 2 की पावर n लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो n को मैंने पहले 4 रखा तो ट्रू आ गया। अब k के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि n की जगह k रखूंगा तो ट्रू रहेगा, ये मान लिया मैंने, तो 2 की पावर k लेस देन इक्वल टू k फैक्टोरियल मैंने अज्यूम किया, ये है। अब मुझे प्रूफ ये करना है, n को k प्लस 1 रखना है अब, सो 2 की पावर k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 फैक्टोरियल होगी, ये मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली। अगर हमने ये करके दिखा दिया तो ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, सॉरी हाँ, हर नेचुरल नंबर जो कि मोर देन इक्वल टू 4 है उसके लिए ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया, 4 से, 4 के लिए ट्रू दिखा दिया, और आपने k के लिए अज्यूम कर लिया, और आप प्रूव कर रहे हो k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, इसका क्या मतलब है, 4 के लिए ट्रू था तो 5 के लिए ट्रू हो गया, 5 के लिए ट्रू है तो 6 के लिए ट्रू हो गया, 6 के लिए ट्रू है तो 7 के लिए ट्रू हो गया, 7 के लिए ट्रू है तो 8 के लिए ट्रू हो गया। तो इस सीक्वेंस में एक्चुअली आगे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। तो स्मॉलेस्ट के लिए ट्रू दिखाना है, 1 के लिए अज्यूम कर लेना है, और आप अगला प्रूव करो उसे जस्ट अगले नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, तो उस चेन में पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया, ये इसके पीछे लॉजिक है। तो अब ये प्रूफ कर देते हैं बस, और इस प्रूफ करने के लिए इसको हम यूज करेंगे, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है, तो ये हम इसको यूज करेंगे कि ये मैंने मान रखा है ट्रू है, ठीक है। तो जैसे मैंने 4 के लिए ट्रू दिखा दिया, तो मैं 5 के लिए चेक कर रहा हूं, ऐसा समझिए। तो यही k कोई भी नंबर है, अगर k 4 होगा तो 4 के लिए ट्रू है, तो 5 के लिए चेक कर रहे हैं, तो वैसे ही k कोई भी नंबर है उसके लिए ट्रू मान लिया मैंने, अब k प्लस 1 के लिए दिखा रहा हूं मैं
कि ट्रू रहेगा, तो उसी सिक्वेंस पर सब केस हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, सो कैसे प्रूफ करेंगे देख लीजिए। सो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये स्टेटमेंट प्रूफ करना। चेक करिए अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मैंने अज्यूम किया हुआ है ना। सो हमारे पास ये ऑलरेडी है, वी हैव दिस, अब इसको यूज करके मुझे वो प्रूफ करना है। तो अब मुझे बताइए 2 की पावर k प्लस 1 बनाने के लिए मैं यहां क्या कर सकता हूं इसमें? यस, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। सो 2 इंटू 2 की पावर k लेस देन इक्वल टू 2 इंटू k फैक्टोरियल। चलिए अब तो इधर तो हो गया आपके पास 2 की पावर k प्लस 1, हाँ। अब इधर है 2 टाइम्स k फैक्टोरियल और मुझे चाहिए k प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं आप देख बताओ। अब आपसे मैं पूछूं, अगर देखो ध्यान से, k मेरा क्या है, यहां जो k मैंने अज्यूम किया वो क्या है, मोर देन इक्वल टू 4 के लिए ना, क्योंकि स्टेटमेंट मोर देन इक्वल टू 4 के लिए था। तो k मोर देन इक्वल टू 4 है तो k प्लस 1 क्या होगा, मोर देन इक्वल टू क्या, मोर देन इक्वल टू 5, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया मैंने तो 5 हो गया। और क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 5 मोर देन इक्वल टू 2 है, यस और नो? यस सर। चलो तो इसी स्टेटमेंट को ठीक से लिख रहा हूं अब मैं कि k प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 2, इसको ठीक से लिखूंगा तो 2 लेस देन इक्वल टू k प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूं क्या? Yes, अब ये 2 ही यहाँ क्यों लिखा, मैं 3 भी लिख सकता था, 4 भी लिख सकता था, yes। लेकिन यहाँ पे फिर से हमारे पास, हमें यहाँ k प्लस 1 लाना है कहीं ना कहीं, तो यहाँ 2 था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा, 5 मोर देन 2, क्योंकि मुझे k प्लस 1 और 2 में रिलेशन ढूंढना था। तो अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, आप कि अभी यह 2 इंटू k फैक्टोरियल रहने दीजिए। अब ये जो 2 है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू k प्लस 1, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रूफ करोगे तो आपको आइडिया आएगा, अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि आ जाए ऐसा, तो वो उस दौरान आपको दिमाग में आइडिया आएगा। सो अभी मैंने यही क्यों किया, क्योंकि हमें दिखाना है यहाँ पे, अब देखो दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू, तो 2 लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 है, तो यहाँ लेस देन इक्वल लगाया 2 की जगह लिख दूंगा मैं k प्लस 1, और आगे जो k फैक्टोरियल वो एज इट इज रहेगा। तो k फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज रखा, जस्ट ये लिखा कि 2 लेस देन k प्लस 1 है। अब आप बताइए k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं? जी, तो ये आपका आ गया k प्लस 1 फैक्टोरियल। और अब आप यहां से क्या डिसाइड किए, देखिए जो प्रूफ करना था तो आ ही गया। सो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, सो हमें यहां यही प्रूफ करना था कि 2 की पावर k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 फैक्टोरियल, हमने कर दिया कि 2 की पावर k प्लस 1 जो है हमारा वो लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 फैक्टोरियल है, और यही प्रूफ करना था। सो अगर आपने स्टेटमेंट को k के लिए अज्यूम किया, उसको यूज करके k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दिया समहाउ, आपको यूज करके जो कंडीशंस हैं, तो हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो मैंने प्रूफ कर दिया देयरफॉर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, और ये लॉजिक ये कहता है फिर से कि 4 के लिए ट्रू था, आपने कहा कोई भी k के लिए ट्रू मान लो है तो k प्लस 1 के लिए होगा, आपने ये कहा तो मतलब 4 के लिए ट्रू था तो आपके हिसाब से 5 के लिए ट्रू हो गया, अब 5 के लिए ट्रू है तो 6 के लिए भी ट्रू हो गया, 6 के लिए ट्रू है तो 7 के लिए ट्रू हो गया, 7 के लिए ट्रू है तो 8 के लिए, तो लॉजिक समझ आ रहा है। तो इस बेसिस पे पूरे नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया 4 के बाद वाले, क्योंकि स्टार्ट हमने 4 से किया है। तो ये इसके पीछे स्टोरी है, तो ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, बुक वाला लेते हैं, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पीएमआई के पीछे का लॉजिक समझ आ रहा है आपको कि अगर 1 से स्टार्ट है तो 1 रखो, k के लिए अज्यूम कर दो और k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दो। तो आपने ये बताया कि हर k के जिसके लिए ट्रू है अगले नंबर के लिए ट्रू होगा, तो चूंकि 1 के लिए ट्रू था तो इसका अगला नंबर 2 के लिए ट्रू हो जाएगा, 2 के लिए ट्रू है 3 के लिए ट्रू हो गया, 3 के लिए तो 4, आपने जनरली प्रूव कर दिया कि हर नंबर के अगले नंबर के लिए ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए हाँ जी बताइए बताइए, ट्राई करते हैं। हाँ, 2 इंटू 7 की पावर, नहीं सॉरी सॉरी, 2 इंटू 7 की पावर n, हाँ 2 इंटू 7 की पावर n, यस, प्लस 3 इंटू 5 की पावर n, प्लस
3 इंटू 5 की पावर एन माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24 है ना. हाँ फॉर ऑल एन. अच्छा ठीक है चलिए ट्राई करके देखते हैं. तो ये एक स्टेटमेंट है एन के टर्म में. अब इसको ट्राई करते हैं. तो हमारा ना इसको बुक में ऐसा लिखता है पी एन लिख देता है. पी एन का मतलब सो पी यहां डिनोट कर रहा है पी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है ठीक है ना. और सिर्फ पी जस्ट पी नोटेशन है स्टेटमेंट के लिए कि स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ एन. पी एन का मतलब है स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ एन. तो स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ एन. तो आप अगर पहले वन के लिए चेक कीजिए आप एन को इसमें वन रखिए. तो वन रख के देखते हैं. सो टू इंटू सेवन थ्री इंटू फाइव माइनस फाइव किसके इक्वल आएगा. ये 14 प्लस 15 माइनस 5 कितना हो गया 24. और 24 तो डिविजिबल है ही 24 से. सो 24 इज डिविजिबल बाय 24. तो हमने यहां क्या देखा कि स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है. अब पहला स्टेप यही होता है कोई भी क्वेश्चन करो सेम पैटर्न है. एक समझ आ गया सारे हो जाएंगे बट थोड़ा बीच का जो गैप्स है वो भरना इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड के प्लस 1 इज ट्रू है ये चीज है. तो जैसे 1 के लिए ट्रू हो गया अब अज्यूम करते हैं. नेक्स्ट स्टेप होता है अज्यूम. ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट जो गिवन है इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. तो मतलब क्या है आपने अज्यूम कर लिया दैट इज आपने अज्यूम कर लिया 2 इंटू 7 की पावर के 3 इंटू 5 की पावर के माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24. यहाँ के क्या है के कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पे. अब आपने अज्यूम कर लिया ये 24 से क्या है डिविजिबल. इसका क्या मतलब है कि ये नंबर 24 का मल्टीपल है. तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं मैं. इसका मतलब आपने अज्यूम कर लिया कि ये 24 टाइम समथिंग होगा. बताइए वो समथिंग क्या लूं मैं समझ रहे ना क्योंकि 24 से डिविजिबल है. हाँ कुछ भी लेते हैं क्यू ले लेते चलिए मान लीजिए क्यू ले लेते हैं है ना. सो यहाँ क्यू कोई एक्चुअली क्यू जरूरी है कि कोई इंटीजर हो ठीक है. क्यू जरूरी है कोई इंटीजर हो क्योंकि डिविजिबल तभी होगा ना अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा. डिविजिबल का होगा 24 टाइम समथिंग हो. तो 24 टाइम जीरो या कोई भी 24 का मल्टीपल हो इंटीजर मल्टीपल. हालांकि है ना यहाँ पे देख लेते हैं क्या है. सो नेक्स्ट नेचुरल नंबर भी वर्क करेगा यहाँ पे. अब मुझे प्रूव करना है नाउ. तो ये हुआ दूसरा स्टेप. पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1 वाला. दूसरा स्टेप n इज इक्वल टू k को अज्यूम करना है ट्रू है. तीसरा स्टेप k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना है आपको हर क्वेश्चन में. सो मैं अज्यूम अब नाउ टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू है ना. सो वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. ये मुझे दिखाना है. मतलब क्या दिखाना पड़ेगा दैट इज मुझे प्रूफ करना पड़ेगा 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5 जो है दिस इज डिविजिबल बाय 24. तो उसी स्टेटमेंट को लिखा मैंने बस जहां जहां n था k प्लस 1 रखा कि मुझे n बराबर k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना. तो स्टेटमेंट में जहां भी n है उसको k प्लस 1 रखा. अब आप क्या कीजिए इसको ओपन कीजिए. अब ये यूज कर सकते हैं आप है आप इसको यूज कर सकते हैं. तो चलिए ट्राई करेंगे आगे. ओके तो मैं सीधा था यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं और इसको मैं दिखा दूंगा कि कहीं ना कहीं 24 से मल्टीपल मतलब 24 टाइम सम इंटीजर दिखा दिया तो हो गया काम मेरा. यहां से स्टार्ट कर लेते हैं. सो नाउ तो अब क्या करना है यू स्टार्ट विथ. सो चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं. 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5. तो आप इसको ओपन कीजिए. सो यू कैन राइट 2 इंटू 7 की पावर k इंटू 7 ठीक है प्लस 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 5 माइनस 5. अब आप इस इक्वेशन को यूज कीजिए. तो कैसे यूज करेंगे तो आप इसकी वैल्यू यहां से निकाल लीजिए. तो आप क्या कीजिए 2 इंटू 7 की पावर k की वैल्यू यहां से फाइंड कीजिए. So, यहां से मैं अगर फाइंड करूं ठीक है तो मैं कलर चेंज करता हूं.
अब क्या कीजिए, 2 × 7 की पावर k की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। सो यहां से क्या आएगा, 24q - 3 × अच्छा माइनस, मतलब इसको पहले बुला लीजिए, चाहिए तुमको 24q तो इधर से है ऑलरेडी, 5 को बुलाइए पहले, तो प्लस 5 उसको बुलाइए, -3 × 5। ओके जी, ये आपको समझ आ रहा ना क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, तो सिंपली मैंने यहां से इसकी वैल्यू निकाल ली, क्यों फाइंड कर रहा हूं, ताकि मैं यहां पुट कर सकूं, तो अब मैं उसको पुट करूंगा वहां पे, क्योंकि यूज करना है ये जो के लिए आप अज्यूम इसीलिए कर रहे हैं कि आप के प्लस वन के लिए प्रूफ करने के लिए उसको यूज करें, क्योंकि आपने उसको अज्यूम किया है। सो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे इसकी वैल्यू जो है वो वहां से रख दीजिए आप, तो कितना आया था वहां से आप रखेंगे, सो आपके पास है 2 × 7 बार के की वैल्यू 24q + 5, हाँ 5 की पावर के, ठीक है। सो ये हो गया, अब बाहर में है इंटू सेवन ये वाला, और प्लस इसको चाहो तो 3 × 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 × 5 की पावर के -5। चलिए अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं, हमारा एम है इसको दिखाना 24 times समथिंग, तो अभी दिखाते हैं, अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए। सो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24q × 7, 7 से बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 × 7, फिर माइनस, मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो आप, पूरा लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 × 7 = 35 और 3 × 7 = 21, तो ये हो जाएगा 21 × 5 की पावर के, और आगे है 15 × 5 की पावर के -5, ठीक। चलिए अब आपका क्या एम है, अभी आप कलेक्ट टर्म एक साथ टर्म एक जैसे टर्म को एक साथ कर लीजिए, कितना आएगा ये, -21 + 15 कितना होगा बताइए, हाँ -6 × 5 की पावर के आ गया। ओके अब मुझे, अच्छा इसको मुझे यूज करना भी था ना, ठीक है अभी देखते हैं क्या आता है फिर देखेंगे। सो नहीं तो मुझे, हम ऐसा कर सकते थे, इसमें से मैं 7 निकाल लेता तो क्या बचता, अच्छा चलो आगे ट्राई करते हैं, क्योंकि 5 × 15 उस फॉर्म तो आता नहीं। ओके ट्राई करते हैं आगे क्या आता है, तो यहाँ ठीक है ना, यहाँ तक, और यहाँ पे है 24 × 7 × q, ठीक है 24 × 7 × q, और -6 × 5 की पावर के, और क्या है यहाँ पे 35 - 5, सो कितना हो गया +30। ओके अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और रिक्वायर्ड है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ 24 तो है, तो यहाँ तो मुझे 24 दिख ही नहीं रहा है ना, ये दिक्कत आती है लोगों को, अब यहाँ तो 24 है मेरे पास, 24 × 7 × q, अब यहाँ 24 तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम ट्राई करते रहेंगे। सो 24 × 7 × q - इसमें 6 कॉमन लीजिए आप, तो क्या बचेगा 5 की पावर k माइनस कितना 5। ओके अब क्या है, एक्चुअली उसी बुक में अगर आप देखेंगे तो ये खुद एक रिजल्ट है, अब यहां आपको इसको यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में सेम ये क्वेश्चन नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। सो इसमें अगर आप k को 1 रखिए क्या आंसर आएगा 0, k को 2 रखिए क्या आंसर आएगा 20। हाँ सो k को 1 रखेंगे तो आंसर आया 0, k को 2 रखें तो आंसर आया 20, k को 3 रखिए आंसर क्या आएगा 120, k को 4 रखिए आंसर क्या आएगा कुछ आएगा है ना, मतलब इस तरह से, लेकिन जो भी आएगा क्या वो 4 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं, 495। कितना 495, नहीं 495 नहीं होगा, चेक करो 495 नहीं होगा, हैं 625 - 5 आएगा ना 620 ना, हाँ तो मेरा लॉजिक कहने का ये सब 4 का मल्टीपल है, यस सर दो, तो कहने का ये मतलब है कि जो 5 की पावर के माइनस 5 है ना, आपके कोई नेचुरल नंबर ले लो वो हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा, ये खुद एक क्वेश्चन है, मतलब ये खुद एक स्टेटमेंट है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, या खुद एक क्वेश्चन है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ,
या ये खुद एक थ्योरम समझ लीजिए इसको आप, ऐसा क्यों मेरे दिमाग में आया? अरे यार ये बिजली चली गई। एक्चुअली ना वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जो ब्रैकेट में बचा हुआ था ना, क्या था? 24 इंटू 7 इंटू क्यू माइनस में था, कितना कॉमन लिया था हमने? कितना कॉमन लिया? 6 लिया था, तो बचा था ब्रैकेट में 5 की पावर k माइनस 5। अब 5 की पावर k माइनस 5 को आप क्या लिखिए? हैं? ब्लैकबोर्ड नहीं दिखेगा, लाइट चली गई है, मैं फोन में डाटा से बोल रहा हूँ। हाँ, तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है अभी, तो लाइट तो चली गई है, तो ये स्क्रीन उसके सब बंद हो गया, लेकिन फोन में डाटा से ज्वाइन करके फोन से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे धर्मेंद्र, कि आपको ये समझ आया? जहाँ डाउट था अभी, क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ आपसे अभी, ये बताइए पहले। यस सर, हो गया। क्योंकि मैं 5 की पावर k माइनस 5 को क्या लिखूंगा? 4 टाइम मान लीजिए c, ठीक है ना? हाँ, तो 4 टाइम c लिख दिया मैंने, और मेरा 6 पहले से बाहर है, तो 6 4 24 c हो गया, और उधर 24 इंटू 7 पहले से है, 24 मैं कॉमन लेता हूँ, जो बचा उसका नाम कुछ और रख दीजिए, r रख दीजिए, तो 24 r आ गया, तो इसका 24 का मल्टीपल हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया था। हालांकि लॉजिक तो यही है हर क्वेश्चन में, बस वही थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ता है कि यहाँ क्या जरूरत है। तो मैं यहाँ पे 24 की जरूरत थी, तो फिर मैं उसके बारे में सोचा, 5 की पावर के माइनस 5 के बारे में सोचा। ये उस टाइप से जैसे आपने मल्टीपल मान के किया जी, और रिड्यूस किया उधर से, मतलब ट्रांसफर किया था। या राइट राइट, हाँ, 7 की पावर के की जगह रखा था शायद हमने, हाँ, 2 इनटू 7 की पावर के, यस, हाँ, और एक आसान सा मेथड, एक और टाइप का क्वेश्चन बचता, तीन टाइप का ही क्वेश्चन है मेनली इसमें, तो ये आज ही खत्म, ये चैप्टर फिर आज ही खत्म हो जाएगा, फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगा। डाउट होगा तो हम देख पाएंगे, अदरवाइज बच्चा ट्राई करेगा इस मेथड से, डाउट होगा तो वो लाइव क्लास में पूछे या जैसे भी पूछे, है ना? तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसको, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर वो स्टार्ट करेंगे, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है। इंडक्शन कई जगह, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें खूब यूज करते हैं। यस, सही कह रहे आप, तो उसमें लोग खूब प्रूफ, जहां भी एन आता है कुछ समझ नहीं आ रहा लोग इंडक्शन लगा देते हैं, ये चीज है। बस अभी ज्वाइन हो रहा है, तो चलिए तो अब विजिबल होगा। तो एक्चुअली हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, तो फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म करेंगे इसको। तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे। सो बस आपको समझ तो आई क्या करना क्या है। इसको 6 इंटू 4 इंटू लेट से सी कर देते हैं, और यहाँ 24 इंटू 7 इंटू क्यू कर दिया,
सो 6 4 जा 24, सो 24 फाइनली कॉमन लीजिए, जो भी बचा मान लीजिए वो आर कर दिया, वो आर कहीं ना कहीं इंटीजर ही आएगा आपका। तो हमने ये दिखा दिया कि जो क्वांटिटी है के प्लस वन, इनको रखने जो आया 24 टाइम समथिंग आया, तो 24 टाइम समथिंग आया इसका मतलब ये 24 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। सो ये हमारा जो क्वांटिटी है 24 का मल्टीपल हो गया, और इसीलिए हमारा k प्लस वन के लिए ट्रू दिखा दिया हमने, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। एक मिनट, अरे निखिल अभी तुम क्लास ले रहे, 5 मिनट का तुम करे फोन करते हैं। सो हाँ, तो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोगों को विजिबल है कि नहीं? अरे एक मिनट, वो मेरा फोन कनेक्टेड नहीं है, एक मिनट वो मैं खुद ही गड़बड़ किया हूँ। हाँ, अब आपको ऑडिबल, मैं ऑडिबल होगा। एक्चुअली वो लैपटॉप में प्रॉब्लम है, तो फोन से कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो मैं, ये दिख रहा है ना सबको, है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना, अब ठीक होगा। हाँ, क्योंकि वो लैपटॉप में पता नहीं, उसको ठीक कराना पड़ेगा। सो एनीवे, यहाँ पे सो ये सिंपल हर क्वेश्चन करने का यही लॉजिक है, जहां से भी स्टार्ट हो रहा है ट्रू दिखाओ, के लिए अज्यूम करो, के प्लस वन के लिए ट्रू दिखाओ। हमने दो क्वेश्चन किए, अभी एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं जो यहाँ पे है। जैसे पहला क्वेश्चन है आज, अच्छा आवाज लैग कर रही है क्योंकि वो डेटा से ज्वाइन कर रखे हैं। एक मिनट हाँ, अब ठीक आएगा। वो एक्चुअली वाईफाई और डेटा में पता नहीं डिफरेंस आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ दो क्वेश्चन किए, लॉजिक तो सिंपल है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू एन के लिए है उस पर ट्रू दिखाओ क्वेश्चन में जो है, के लिए अज्यूम करो, के प्लस वन के लिए ट्रू दिखाओ, इतना ही है इस मेथड में। एक क्वेश्चन और मान लो यही कर लेते हैं, वन से लेके, है ना, क्या ये 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 एन स्क्वायर है। चलो इसी को ट्राई कर लेते हैं। सो दो क्वेश्चन कर लेंगे, चलो देखते हैं। एक मिनट, एक तो ये होता है ना, इसको पहले ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली है, पता ना, प्रूव दैट कि 1 + 2 + 3 अप टू n, सो n इनटू n+1/2 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर इसको भी प्रूव करना, वैसे ही करेंगे कि पहले आप सॉल्यूशन लिखते हैं, तो n को आप 1 रख लो, तो जब n 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है, पहला टर्म बस लेना है, और राइट हैंड साइड में 1 × 2/2 तो कट के 1 ही आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू दिखा दिया। अगला स्टेप होता है अज्यूम, ठीक है, तो हमने क्या दिखाया, मान लो ये स्टेटमेंट P1 लिखते ना, इसको हम लोग स्टेट Pn है, ये स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ n, तो मैं दिखा दिया P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू मतलब स्टेटमेंट इन व्हेन n इज 1 इज ट्रू। अब नाउ अज्यूम कि Pn is true for n is equal to k, मान लो Pn true है n is equal to k के लिए, तो k रख दो, so P of k जो होगा वो होगा 1 + 2 + 3 up to k, इसकी सम है k into k plus 1 upon 2, ठीक, ये चीजें हैं। अब ये आपने assume कर दिया कि ट्रू है जहां के कोई नेचुरल नंबर है, अब हमें प्रूफ करना है यहां पे, सो हमें यहां पे प्रूफ करना होता है, सो वी नीड टू प्रूफ फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन।
अब मुझे n इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू दिखाना है, तो मतलब क्या प्रूफ करना है, दैट इज तो मुझे प्रूफ करना है कि 1 + 2 + 3 अप टू k प्लस वन, तो k प्लस वन का जस्ट पिछला टर्म k रहा होगा, है ना, 1 2 3 चल रहा है इस तरीके से, और इक्वल टू यहाँ k की जगह k प्लस वन, या जो क्वेश्चन है उसमें n की जगह आप k प्लस वन रिप्लेस कीजिए, तो आपको मिलेगा k प्लस वन इंटू k प्लस टू अपॉन टू, ये प्रूफ करना है। तो चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये मुझे प्रूफ करना है और इसको यूज कर सकते हैं, सो हम इसको यूज कर सकते हैं और ये प्रूफ करना है, इसके LHS से स्टार्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, सो 1 2 3 अप टू k k प्लस वन, सो इसका सम तो यहां से आ गया k इंटू k प्लस वन अपॉन टू, ये हो गया, और एक टर्म एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ k प्लस वन तक था ना, तो 1 से k तक हमने अज्यूम किया हुआ ये है, मुझे इसको दिखाना है इसके इक्वल, तो मैं LHS से स्टार्ट किया, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ राइट साइड लाने का, सो ये हो गया k प्लस वन, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सो k इंटू k प्लस वन प्लस टू इंटू k प्लस वन होल अपॉन टू, LCM ले लिया, सो k प्लस वन बाहर निकाल लीजिए कॉमन, तो बचा क्या k प्लस टू और अपॉन में टू, तो देखिए सिंपली हमने LHS से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और इसका इक्वल दिखा दिया, इक्वल टू RHS, तो लिखेंगे देयरफॉर, तो हमने क्या दिखा दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि P of K plus 1 is true, मैंने ये दिखा दिया, या ऐसा लिखे कि Pn is true for n is equal to K plus 1, और लास्ट में इसका मतलब ये हो गया कि hence जो स्टेटमेंट Pn है this is true for all n belongs to natural number, तो ये हो गया, ये लास्ट लाइन हो जाएगा कि हमने 1 के लिए अज्यूम किया, मतलब 1 के लिए ट्रू दिखाया, पहले चेक किया ट्रू था, अब k के लिए अज्यूम किया, k प्लस वन के लिए ट्रू दिखाया, तो मतलब 1 के लिए ट्रू था तो 2 के लिए ट्रू दिखा दिया, 2 के लिए ट्रू हो गया तो 3 के लिए ट्रू दिखा दिया, 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए ट्रू दिखा दिया, एंड सो ऑन, पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया, तो इसलिए स्टेटमेंट इन जनरल कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। तो हमने बेसिक प्रिंसिपल देखा, 3 क्वेश्चन किए, बाकी बच्चे ट्राई करें और डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है, तो क्लास आज यहीं खत्म करते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं और क्या है, लेकिन मैं चाहूंगा बच्चे खुद ट्राई करें, कॉन्सेप्ट सीखे, क्योंकि आपको सीखना है मैथमेटिक्स, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं 1000 क्वेश्चन करा दूंगा तब भी काफी नहीं है ना बच्चों के लिए, कि वो उनके लिए खुद करना पड़ेगा, तो आपको ये समझ आएगा कहाँ समझ आया कहाँ नहीं आया, तो ये सब क्वेश्चन, ये तो एक्चुअली बुक एग्जाम्पलर बुक है, आप प्रॉपर एनसीईआरटी देखो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर वर्जन आता है, थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन आता है वो है मेरे पास अभी जो है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है, वहाँ क्वेश्चन थोड़े ईजी होंगे अलग होंगे, यहाँ थोड़े अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, आप एनसीईआरटी जो बुक है उसका चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व करो, कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें वो सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, मुझे लग रहा है 40-41 शायद, तो आप उसको सॉल्व कीजिए, एंड डाउट है तो पूछिए, ठीक है, सो कोई भी क्वेश्चन होगा सारा प्रूफ ऐसे ही हो जाएगा, सारे ऐसे ही हो जाएंगे, सो आज मैं क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो अगर डाउट होगा तो कोई बच्चा लाइव क्लास ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, तो